मौजूद नजरीन व समीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इब्तिदाए रब जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बेदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम जोन की जानब से हकीम मौलाना रहम नियाज अतार इस वक्त आपसे मुहातिब हूँ। मौजूद नजरीन, आज हमारे और आपकी नुस्खा सैलान रहम, जिसको अरबी में सैलान रहम कहते हैं और इंग्लिश में इसको लिकोरिया कहते हैं, इसके लिए आज हमारे और आपकी नुस्खा इंतहाई तजुर्बाशुदा आजमुदा और बेहतरीन नुस्खा है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं लिखा हुआ नुस्खा आप लोगों को स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें और आसानी से वो अज़ तरकीबी पंसार वालों से तरल तलब कर सकें और आसानी से अपने लिए खुद अपने हाथों से बना सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। मौजूद नाज़रीन, लिकोरिया एक अज़ियतनाक मर्ज़ है, रफ्ता रफ्ता दिमक की तरह औरत के जिस्म को चाटती है। कभी कभी जब यह ख़राब सूरत अख्तियार कर लेती है, जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ज़्यादा वक्त तक यानी ज़्यादा देर तक, एक साल, छः महीने, डेढ़ साल तक इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज़ा की कमर में दर्द होने लगता है, मरीज़ा की बड़े रानों में दर्द होने लगती है, मरीज़ा के सर पर चक्कर आने लगते हैं, मरीज़ा की आंखों के गिर्द काले हल्के बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होल बनना शुरू हो जाते हैं, आंखों के गिर्द दायरे बन जाते हैं, मरीज़ा की चेहरा मुतासर हो जाती है, जर्द पड़ जाती है, हुस्न व जमाल में इंतहाई ज़्यादा फ़र्क आ जाता है लिकोरिया की वजह से, सही खून जिस्म में नहीं रहती लिकोरिया की वजह से। तो माज़ेज नज़रीन, लिकोरिया जब ज़्यादा ख़राब सूरत इख्तियार कर ले, ये आज का नुस्खा मैंने उन मरीज़ों के लिए लाए है अपने चैनल पर कि मेरे साथ व्हाट्सएप पर बहुत रबते हुए हैं ख़वातीन का, मेरी माओ का, मेरे बहनों का, कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा लिकोरिया के लिए अपलोड कर लें कि अगर लिकोरिया बहुत ज़्यादा तेज़ होना, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी भी होना, उसके लिए भी वो नुस्खा करामद हो और बेहतरीन हो और 100% रिज़ल्ट उसका आता हो। तो माज़ेज़ नज़रीन, आज का नुस्खा ये ऐसा नुस्खा है कि इसके अज़ाए तरकीबी अगर आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे और एक दफ़ा बना लेंगे तो ये दो तरह का काम करता है, खाने के एतबार से भी काम कर लेता है और लगाने के एतबार से भी, यानी दोनों तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, खाने मुंह की तरफ से, पेट की तरफ से भी, अंदर से आपके जिस्म को इंशाल्लाह ठीक कर देगा और लगाने से भी, दोनों तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मरीज़ा अगर इस्तेमाल करेगी दोनों तरीक़ों से, तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में, 3-4 दिनों में 5 दिनों में बिल्कुल शिफायाब हो जाएगी लिकोरिया, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर वो मरीज़ा मुझे दुआएं देती रहेगी। मौजूद नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले मैं अपना दरख्वास्त ज़रूर कर लेता हूं कि मेहरबानी करके मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहना, इसलिए कि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की बीमारी टल सकती है, किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आपकी एक शेयर की वजह से आपके अमालनामे में आपको अजर व सवाब ज़रूर मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो माज़ेज़ नाज़रीन, वीडियो ज़्यादा लेंथी होने से बचाना मुनासिब समझता हूँ, इसलिए नुस्खा पेश खिदमत है। अकाकिया, अकाकिया गुल अनार, पोस्तकीकर, माजू, सुम्बुल तोयब, ये 5 चीज़ें एक दफ़ा फिर सुन लें। अकाकिया गुल अनार, पोस्तकीकर, माजू, सुम्बुल तोयब, ये 5 चीज़ें इसको हम वज़न लें जितना आप मुनासिब समझते हैं, हम वज़न लें मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर आप 20-20 ग्राम लेंगे तो 5 चीज़ें हैं, ये 100 ग्राम फिर बन जाएगा। हम वज़न लें फिर इसको बारीक पीस लें, इतना बारीक पीस लें कि मिसले गुबार बना लें, फिर इसको शीशे या प्लास्टिक की पैक में, जार में महफूज कर लें और 2-2 माशा के हिसाब से दिन में 3 मरतबा कावा के साथ, सुलेमानी कावा हो या ग्रीन टी हो, उसके साथ इस्तेमाल करें दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 माशा।
ये खाने के लिए, और चेमाशा दवाई को मलमल के कपड़े में बांधें, चेमाशा दवाई को मलमल के कपड़े में बांधें और रात को सोते वक़्त शफा की सूरत में मरीज़ा लगाएं। इंशाल्लाह 6-7 बार जब लगाएंगे और 6-7 दिन इस तरह ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो वाज़े फ़र्क मालूम हो जाएगा, लिकोरिया इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। जब आपको शफा मिल जाए और अल्लाह पाक आपको शफा दे दें तो मेहरबानी करके इस भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखना। ये था आज का नुस्खा, इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट स्टूडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।